आज गुमला जिला में सर्वजन पेंशन योजना के सभा में उपस्थित हमारे झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और इस मंच में हमारे मंत्री जोबा मांझी जी और इस मंच में उपस्थित हमारे वित्त मंत्री रमेश्वर उरांव जी और गुमला जिला के हमारे विधायक माननीय भूषण तिर्की जी, गुमला जिला के उपायुक्त और गुमला जिला के एसपी और सभी पदाधिकारी और जितना भी आए हुए तमाम भाई बहनों को सभी को मेरे ओर से जोहार नमस्कार। आज सही मायने में हमारी सरकार, हमारे गठबंधन की सरकार, हमारा हेमंत सरकार जब से बनी है, गांव का किसान, गरीब गुरबाओं का काम आप लोग का बीच में देखने को मिल रहा कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि पहले चुन चुन के वृद्धा पेंशन राशन कार्ड बनता था। आपके सरकार, आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव में वहां काम किया गया, पूरे प्रशासन गया। ये नहीं कि सबको, जितना भी गरीब है सबके लिए वृद्धा पेंशन राशन कार्ड बना। किसी को नहीं पूछा गया कि आप क्या है, आपका कागज नहीं है, आप क्या नहीं है। सबको बुला बुला कर सरकार वहां पर निष्पादन किया गया। कम से कम 40% वही काम। और भी ऐसी बात है कि हमारे बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए एक उड़ान की महुआ की ट्राइबल बच्चों के लिए विदेश पढ़ने के लिए भेजने के लिए एक सपना की बराबर है। हम बधाई देना चाहते हैं कि इतना दिन में मेरी सरकार 20-21 साल हुआ, लेकिन कभी इस सपना को पूरा नहीं किया था गरीब बच्चों के लिए विदेश पढ़ने के लिए, लेकिन यह पूरा किया हमारे सरकार ने। दूसरी बात है कि आप लोग जानते होंगे स्वर्ण धर्म कोड के लिए आवाज करते लोग रहा, पूरे झारखंड में गुलाम मचा। इस आवाज को सदन में हमारे मुख्यमंत्री ने सुन के पूरा झारखंड का आदिवासियों के सरना कोर्ट के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश कर कैबिनेट से बैठ की सरकार को, केंद्र सरकार को भेजा। इस तरह बड़े बड़े समाज के बात हो, चाहे विकास का बात हो, चाहे रोजगार का बात हो, हमारे गरीब और किसानों का काम करने के लिए हमेशा रहा। आप लोग जानते हैं कि 2 साल कोरोना था, इस कोरोना का महामारी में पूरा अस्त व्यस्त था, पूरा देश थम उठा गया था। उस समय में आप लोग जानते हैं कि टीवी में, पत्रकार में देखा होगा कि हमारा मुख्यमंत्री पूरे भर मन करते रहा था, पूरे स्टेट में मुख्यमंत्री ने वो काम किया कि उस टाइम हमारे बाहर स्टेट में फंसे हुए लोगों को जहाज से लाने का काम किया, ट्रेन से लाने का काम किया, इसको पूरे देश में सराहना भी दिया था, मीडिया और सभी लोग सराहना दिया था। इस तरह से काम किया और अब कोरोना खत्म हुआ है, धीरे धीरे से काम पटरी में आ रहा है और तबड़तोड़ घूम रहा है, काम भी कर रहा है, जनता का निष्पादन भी हो रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज हमारा गरीबों सामने आ सक रहा, बात को रख सक रहा है, हमारा लोगों को काम हो रहा है। हमारा किसान भाई भाई लोग, भाई बहन लोग, आप आज ही पेपर में आप लोग देखे होंगे सारे विभाग का 55,000 नियुक्ति का तैयारी किया है हमारा मुख्यमंत्री ने। 55,000 हर विभाग का, एक एक विभाग का चुन चुन कर उसमें नौकरी देने के लिए हम लोग का नौजवान लोग जितना भी ये लोग को मिलेगा, इस तरह का व्यवस्था है। और हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग एक तरह जागरूक रहो, मिलके रहो और आप लोग ताकत बना के रखोगे, यही आपका शक्ति है। आज हम कहना चाहेंगे कि आपका आवाज ही हमारा सदन तक आएगा और उस सदन के माध्यम से हम आवाज को उठाएंगे, उसी आवाज को सुन के आपका मुख्यमंत्री क्षेत्र में काम करेगा और ये चीज बहुत बड़ा ताकत होता है समाज में, हम यही कहना चाहेंगे। और बहुत कम शब्द में इसलिए कि आज जितने लोग भी आए हुए हैं, भाई हो, बहने हो, माँ हो, बाप हो, चाहे हमारा बुजुर्ग हो, गरीब युवा, सभी को हम कहना चाहेंगे कि आपके मंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री आपका झारखंड का मुख्यमंत्री आए हैं, उस आवाज को आप लोग संदेश को लीजिए और उस संदेश को गांव गांव तक लेने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। यही एक शक्ति है आपके पास, यही एक आवाज है। लोग तरह तरह का बोलता है कि आप लोग के सामने आज मुख्यमंत्री आए,
हम यही कहना चाहेंगे कि आज हमारा झारखंड राज्य अलग करने के लिए आंदोलनकारी लोग 20 साल से आवाज उठा रहा था। आज हेमंत सोरेन कल परसों कुछ दिन पहले कैबिनेट में मैंने प्रोजेक्ट भवन में आंदोलनकारी लोगों को बुला के उसका चिन्हित किया जा रहा है, उसको पेंशन योजना पेंशन मिलेगा। तो सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी काम हो रहा है गरीबों के लिए, आप लोग के साथ में है सरकार, आप लोग का विचार आधार से चलने के लिए है, आप लोग का बात को सुनने के लिए। आज हम बहुत कम शब्द में कहकर अमानत करते हैं भाइयों बहनों, यही आप हो सब कुछ, आप लोग के साथ में सरकार है, और यही विचार को अमानत करते हैं कि एक आंदोलन था, इतने बड़े आंदोलन को आप लोग देखते हो कि पूरा देश में कभी नहीं अलग राज्य का आंदोलन से शिबू सोरेन ने जो बिंगुल फूका था, उसका सपना को पूरा करना, उसका रास्ता में चलना, और वो चीज आज पेंशन में पेंशन के लिए लोग करता तो वो भी किया। और आप लोग ये भी देखे हो कि अगर नौजवान लड़का लड़की लोग फुटबॉल में हॉकी में हर तमाम का खेल में जो आगे है उसको सीधे नियुक्ति भी दिए हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। नहीं तो पहले कभी सरकार ने चीज को नजर उठा के नहीं देखा, ना सोचा, ना कभी वो काम करने का काम किया। ऐसी बहुत सारी काम है, बहुत सारी योजना है, बहुत सारी काम किया आप लोग को बिस्तर से हमारे मंत्रीगण लोग हैं। हम इतना ही कह करके आज मन से हम यही कहना चाहेंगे, हमारा जितना भी गुमला जिला से आए हुए, चाहे बिशुनपुर विधानसभा के हो, चाहे सिसई विधानसभा के हो, चाहे गुमला विधानसभा के हो, यहाँ का सभी जनता को, प्रशासन को, जितने लोग, सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारा मंत्री, तीनों मंत्री को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि यहाँ का जन गुमला का धरती में आके आप लोग का बहुत सुविधा हम समझते हैं कि आप लोग आके हम लोग को, आप लोग से हम लोग कहें तो सब बात सुनने के लिए जनता का इतना बेताब था, लोग बोलता था अनेक तरह का, ये चीज आज हम सोचते हैं कि हमारा जनता संतुष्ट होगी और हमारा काम आगे जाएगा। यही करके हमारे ओर से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपके